પલસાણાના વરેલી યુવા મિત્ર મંડળ દ્વારા શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી ચાઇનાની વસ્તુ નહીં વાપરવાનો સંકલ્પ લેવામાં આવ્યો હતો. પલસાણા તાલુકાના વરેલી ગામે ભારત ચીન વચ્ચે ચાલી રહેલ અથડામણમાં શહીદ થયેલ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો એક કાર્યક્રમ વરેલી યુવા મિત્ર મંડળ દ્વારા યોજાયો હતો. શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાની સાથે ચીની સામાનનો બહિષ્કાર કરવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો. આ પ્રસંગે ગામના અશોક સાસવરત, રણછોડ ભરવાડ, પુલકિત પરમાર, રમેશ પટેલ, પ્રકાશ રાજ પુરોહિત, શંભુ ભાટી, પવન ઠાકુર, રોશન અને દીનદયાળ શર્મા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મેરા નામ અશોક કુમાર સાસવત હૈ. મેં બરેલી કેન્દ્ર એક જાગૃત નાગરિક ઓર સામાજિક કાર્યકર્તા હું. ક્યા કાર્યક્રમ રખા ગયા હતા આજ? આજ હમારે જવાન જો 20 શહીદ હુએ ગલવાન કે અંદર મેં ચીન ને જો હમલા કિયા હૈ ઓર ઉનકે ભી કુછ શહીદ હુએ હૈ જૈસે वैसे हमारे भारत के कुछ जवान शहीद हुए हैं, उसके लिए उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे गांव के सभी बुजुर्ग युवाएँ और बरेली मित्र मंडल द्वारा इस आयोजन प्रकार का किया गया है. चाइना ने जो हमला किया उसको आप किस कैसे देखते हैं? चाइना ने जो हमला किया है वो धीरे 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 अंदर बढ़ने की कोशिश कर रहा था. कुछ समय से ज़्यादा ही उसकी ऐसा पावर बढ़ रहा था जिसके कारण हमारे मोदी जी ने वहाँ रोड बनाने का काम चालू कर दिया था, जिसके कारण उसको दबाव बनने के कारण उसने गद्दारी से हमला हमारे जवानों पे किया है. नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि चीन की जितनी भी वस्तु आ रही है उसको ना खरीदें. अभी कुछ हवा फैलाई जा रही है कि जैसे कुछ प्रकार के मोबाइल है और है, तो हमने भारत से भारत के जिन नागरिकों ने ये खरीद लिया है वो चीन को पैसा चला गया है. अब उस चीज़ के ऊपर में नया ध्यान दे के नई चीज़ के ऊपर में ध्यान देवे. हमारे कुछ त्यौहार ऐसे हैं जैसे होली है, चीन नहीं बनाता है और उसका गुलाल चीन से आता है. रक्षाबंधन है जिसकी राखी चाइना से आती है. मैं सभी बहनों से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि धागा बांध दीजिए पर चाइना की राखी का इस्तेमाल ना करें. उसके बाद दिवाली आती है तो उसके पटाखे लाइट है उसकी भी वस्तु का उपयोग चाइना का ना करें. आज के बाद में जो चाइना की वस्तु है जहाँ तक जितना हो उसके विरोध करके अपने को उपयोग नहीं करना है. स्वदेशी अपनाना है, विदेशी को हटाना है. અશોક ભાઈ, સવારથી સાંજ સુધી લઈને લોકો ચાઇનાની વસ્તુઓ જ વાપરતા હોય છે. બ્રશથી લઈને રાતના સ્કૂટર સુધીની વસ્તુનો માલ જે ચાઇનાથી જ આવતો હોય છે, શું કેટલું તમે માની શકો છો કે આનો વિરોધ થઈ શકે છે? એસા હૈ કે બોલને મેં ઓર કરને મેં બહોત ફરક પડતા હૈ. સમય ધીરે ધીરે એસા બદલાવ આયેગા, આત્મનિર્ભર ભારત બનેગા. અભી તુરંત કા તુરંત કુછ કાર્ય નહીં હો સકતા હૈ. હમ સબકો મિલકે એક બદલાવ લાના પડેગા. જો વસ્તુ 100 રૂપિયે કી મિલ રહી હૈ વો भारत की चीज़ 500 रुपए मिल रही है, तो उसका बदलाव लाने के लिए हमको धीरे 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 भारत की चीज़ों के ऊपर में आत्मनिर्भर होकर बनाना भी पड़ेगा और उसको खरीदना पड़ेगा और उसको उपयोग करना पड़ेगा. तो सभी युवाओं से ये है कि धीरे धीरे एक साथ में ना करके धीरे धीरे युवाओं को प्रेरणा स्रोत करके एक दूसरे को भारत की चीज़ को खरीदने का कष्ट करें. जी, बीजी तरफ आप बात करिए कि व्यवसाय की जो बात करें तो व्यवसाय में के मशीनों से चाइना थी अपन इनपुट कर तो शू धंधाकीय रीते क्षेत्र में मशीनों त्याग कर सकाशे खरा? नहीं, धीरे उस चीज़ में ऐसा है कि जो चीज़ हमने खरीद ली है उसका तो उपयोग करने का है और उसके सामने भारत को अभी आत्मनिर्भर बन के उस चीज़ का उपयोग उस चीज़ को बनाना पड़ेगा और सभी जितने इंजीनियर है और है सभी को उस चीज़ के ऊपर में फोकस करके आने वाले समय लगेगा. मैंने पहले बोला समय लगेगा, धीरे धीरे उस समय को बढ़ावा करके और ये चाइना जैसी वापस मेकेनिक चीज़ें बनाने के चालू करनी पड़ेगी जिससे भारत आगे बढ़ सके.